चलिए तो नमस्ते सभी को। तो मुझे थोड़ा सा मौका मिला है कि मैं अपने कॉलेज में एज ए रीजनल नोडल सेंटर और एज ए नोडल सेंटर क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको मैं ब्रीफली रखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सो बेसिकली हम लोग ने एक वैल्यू एजुकेशन सेल प्रॉपर बनाया हुआ है और ये हमारे वैल्यू एजुकेशन सेल का एक लोगो है छोटा सा जिसको हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं। सो हम इस विजन और मिशन के साथ इस सेंटर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विजन है टू बिकम एन इंटरनेशनल रिसोर्स सेंटर डेडिकेटेड टू स्प्रेडिंग द एथॉस ऑफ वैल्यू एजुकेशन फॉस्टरिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स अचीविंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। सो इस विजन के साथ हम लोग इस सेल को चला रहे हैं और मिशन के रूप में देखेंगे तो अभी मिशन ये है कि जिस कॉलेज में हम हैं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको एक लिविंग मॉडल की तरह डेवलप कर सकें और उसमें एकेडमिक में भी है ना रिसर्च हो जिस पे होलिस्टिक डिज़ाइन होलिस्टिक मॉडल सिस्टम्स होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज इन सब पर रिसर्च भी स्टार्ट हो सके। तो इस विजन और मिशन के साथ हम लोग इस सेंटर में एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं और उसको चला रहे हैं। तो ये हमारे सेल का स्ट्रक्चर है। डॉक्टर आर के अग्रवाल चेयरपर्सन है डायरेक्टर जनरल हैं कॉलेज के और इन्हीं के सपोर्ट से और इन्हीं के इनका पहले से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक विजन रहा है तो इनके अंडर में इनकी गाइडेंस में इतने लोग वी सेल में इन्वॉल्व हैं। प्रोफेसर वी के पराशर जी हैं हेड है वैल्यू एजुकेशन सेल के ये हम लोग की टीम है और भी लोग हैं लेकिन ये जो मेनली लोग जुड़े हुए हैं फ्रंट पे काम कर रहे हैं वो ये लोग हैं और कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये पूरा वैल्यू एजुकेशन सेल चल रहा है। तो पर्पस हमारा है सेल्फ डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट सोसाइटल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड विद दिस लिविंग मॉडल ऑफ वैल्यूज। सो इतने को ध्यान में रखकर हम लोग कॉलेज में एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर कॉलेज में एक्टिविटीज़ हम लोग प्लान करते हैं टीम डेवलपमेंट को लेकर सोसाइटल डेवलपमेंट को लेकर इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को लेकर और फिर अल्टीमेटली ये कॉलेज एक लिविंग मॉडल बन सके वैल्यूज़ का इस विजडम के साथ हम लोग एक्टिविटीज़ को प्लान कर रहे हैं। तो एक एक लेवल पर क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज़ अभी कर रहे हैं क्या प्लान किया हुआ है कितनी एग्जीक्यूट कर चुके हैं उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर दूंगा। तो टोटल 7 स्टेप्स में हम लोग काम कर रहे हैं इस पूरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम UHV कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड देन वी सेल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटल डेवलपमेंट। इतने स्टेप्स पर हम लोग ये काम कर रहे हैं तो इसको वन बाय वन मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को अगर देखेंगे तो हमारे कॉलेज में जितने भी उस तरह के लोग हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं लाइक HODs डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल ये सभी लोग प्रॉपर 8 डेज वर्कशॉप से गो थ्रू हुए हैं ना। तो हम लोग ने HODs प्रोफेसर्स डीन्स डायरेक्टर इन सब के लिए कॉलेज में ही वर्कशॉप प्लान किया था तो एग्जैक्टली 8 डेज इस तरह से नहीं चला था टोटल जो है करीब 15 to 20 डेज ये वर्कशॉप चला था फर्स्ट हाफ में क्योंकि कॉलेज के और भी काम होते हैं। तो एक फुल वर्कशॉप हुआ था फिर इसका एक रिफ्रेशर भी हुआ। तो जितने भी इस तरह के लोग हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं वो लोग 2 बार इस वर्कशॉप के कॉन्टेंट से गुजर चुके हैं। सो ये उनके कुछ पिक्स हैं एक हम लोग ने सर्दियों में किया था एक गर्मियों में किया। और इसका जो इम्पैक्ट आया है इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का इसका इम्पैक्ट ये है कि हमारे कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें पॉलिसी लेवल पर आ गई हैं इनके वर्कशॉप करने से। जैसे हमारे कॉलेज में आपका प्रोबेशन पीरियड तभी क्लियर होगा जब आपने UHV 2 कर लिया है ना।
नहीं तो प्रोबेशन के लिए पीरियड क्लियर नहीं होगा आपका। इसके साथ साथ जो लोग हायर लेवल के वर्कशॉप करते हैं उनको कॉलेज कुछ इंसेंटिव भी देता है, लेकिन ये कंपलसरी कंडीशन है कि आपको ये यूएचपी टू पूरा करना ही करना है। तो वो पॉलिसी लेवल पर आ गया है ना। और क्या रिफ्लेक्शन आए हैं इनके वर्कशॉप करने से, अभी मैं ग्रेजुअली रखूँगा इसको, लेकिन ये एक मेजर रिफ्लेक्शन है। दूसरा मेजर आउटकम इसका ये है इन लोगों के वर्कशॉप कर लेने से कि अभी हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है 25-26 से, क्योंकि इस तरह के लोगों ने वर्कशॉप किया है, डिसीजन मेकर्स ने इस कंटेंट से निकले हैं। तो डायरेक्टर जनरल सर ने और लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जब ये यूनिवर्सिटी बनेगा तो चारों साल यूएचपी कंपलसरी रहेगा बच्चों के लिए। यूएचपी 1, 2, 3, 4 जो हमारे कोर्सेज हैं ये सब एज ए क्रेडिट कोर्स चलेंगे, और इसके साथ आईकेएस के कोर्सेज भी चलेंगे। ये उसका एक आउटकम रहा है, बाकी मैं अभी ग्रेजुअली रखूँगा। ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हम लोग अभी तक 16, ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है और दो चार रेडी होंगे इसमें, तो 20 प्लस हम लोग अभी तक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर चुके हैं अपने कॉलेज में, 5 डेज के 8 डेज के। और बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम देखेंगे तो हम लोगों ने सेल्फ फंडेड मोड में किए। तो कोविड से जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए हैं वो सेल्फ फंडेड हुए हैं, उसमें हम लोग ने AICT से नहीं लिया कुछ भी, तो कॉलेज ने ही उसको बियर किया जो भी खर्चा है। तो इस तरह से हम लोगों ने करीब 20 प्लस FDP अभी तक कर चुके हैं, जिसमें अपने कॉलेज के लोग और बाहर के आसपास के जो एरियाज़ के हैं या AKTU के अंडर में जो फैकल्टी आते हैं वो सब को मिला कर देखेंगे तो 20 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग ने किए हैं। ये उसके कुछ पिक्स हैं। कोर्सेस में देखेंगे तो इतने कोर्सेस अभी हमारे यहाँ चल रहे हैं, UHP 1, 2, 3, 4, 5। 1 तो इंडक्शन प्रोग्राम है, आप सब लोग जानते ही हैं, है ना। UHP 2 क्रेडिट कोर्स है जो कंपलसरी है फॉर ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। देन UHP 3 ओपन इलेक्टिव कोर्स है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम लोग इस सब्जेक्ट को फ्लोट करते हैं UHP 3 को एज ए ओपन इलेक्टिव तो करीब 9 to 10 बैच बनते हैं, मतलब जो बच्चे UHP 2 करके निकलते हैं उनको इम्पॉर्टेंट लगता है कि इसको आगे भी स्टडी करना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ फ्लोट करते हैं और हर बैच 10 बैच सेक्शंस करीब इसको पढ़ते हैं, अपनी मर्जी से वो लेते हैं। इसी तरह UHP 4 को देखेंगे, जो बच्चे UHP 3 कर लेते हैं हम उनको UHP 4 भी ऑफर करते हैं फाइनल ईयर में, और इसके भी 5 to 6 बैच हर बार बनते हैं। और फिर UHP 5 को देखेंगे तो दर्शन के कोर्सेज है, जिसमें से अभी हम लोग ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन इसको एज ए ओपन इलेक्टिव ऑफर करते हैं, तो इसके भी 2 सेक्शन बनते हैं। तो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक हम लोग बच्चों के लिए कोर्स रखते हैं जिससे उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो कोर्सेज के फॉर्म में देखेंगे तो इस तरह से हम लोग के चारों साल कोर्सेज चल रहे हैं। जी, थर्ड ईयर में UHP 3 है, फोर्थ ईयर में UHP 4 है, और फोर्थ ईयर के लास्ट सेमेस्टर में ये है। ये कुछ फीडबैक हैं UHP कोर्सेज के। तो हम लोग हर बार कोर्सेज करते हैं और उसके फीडबैक्स लेते हैं, तो ज़्यादातर समय हम लोगों ने पाया है कि बच्चों को बहुत ही बेनिफिट हो रहा है इससे, है ना। तो जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग ने बच्चों से पूछे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये, टू वॉट एक्सटेंट डिड UHP 1 हेल्प यू इन डेवलपिंग ए होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ, तो आप देखेंगे मोस्टली बच्चों ने अलॉट लिखा हुआ है। सिमिलरली कितने बच्चे पर्पस ऑफ एजुकेशन समझ पा रहे हैं, कितने बच्चे एक्सीलेंस को समझ पा रहे हैं, कितने बच्चे पहले कंपटीशन में थे अब नहीं हो पा रहे हैं, तो वो प्रॉपर हम लोग ने इसको फीडबैक लिया है और अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला है सारे बच्चों से। इसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट देखेंगे तो ये है। तो जो ऐसा मैं कह रहा था कि क्योंकि डिसीजन मेकर्स ने ये वर्कशॉप किया हुआ है, इस पूरे कंटेंट से 2 बार निकले हैं, तो उन सभी को फील हुआ कि एक लेक्चर UHP के कंटेंट के लिए ठीक नहीं है, कम पड़ जाता है, क्योंकि ये एक्सप्लोरेटिव है, वन वे कम्युनिकेशन तो है नहीं। तो सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि 2 लेक्चर कंटिन्यूस UHP को दिए जाएंगे, और क्योंकि ये एक्सप्लोरेटिव है तो इसको फर्स्ट हाफ में रखा जाएगा। तो
तो हमारे कॉलेज की पॉलिसी में एक पॉलिसी ये है कि जब भी टाइम टेबल बनेगा उसमें फर्स्ट हाफ में दो लेक्चर कंटिन्यूअस UHV को दिए जाएंगे, है ना। तो एक अच्छे से बात हो पाती है क्योंकि दो लेक्चर्स हमारे पास होते हैं और मॉर्निंग में ही होते हैं, तो बहुत अच्छे से बच्चों से कम्युनिकेशन हो पाता है, एक्सप्लोरेशन हो पाता है, समय मिलता है उनसे बात करने के लिए। तो दो लेक्चर कंटिन्यूएशन में हमारे यहाँ रखे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उन लेक्चर्स की क्वालिटी भी बनी रहे, है ना, उसके लिए ये एफर्ट हम लोग ने और लगाए हैं। तो कॉलेज की पॉलिसी में ये है कि हम लोग वीकली मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जो लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पढ़ा रहे हैं। तो जो भी फैकल्टी सेकेंड ईयर पढ़ा रहे हैं वीक में एक बार, जैसे मंडे 2:30 to 4, वो टाइम टेबल में ही फिक्स है कि आपको इस मीटिंग के लिए आना है। तो कॉलेज ने टाइम टेबल में ही उनको स्लॉट दिया हुआ है, कॉलेज टाइम में ही। और इस मीटिंग में हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो वो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ा चुके हैं उन पर डिस्कशन करते हैं, क्या पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, जो पढ़ा रहे हैं उनके मन में क्या डाउट है, है ना, बच्चे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उस चैप्टर को रीडिंग करना जो बुक में पढ़ाने जा रहे हैं वो। इससे क्वालिटी बढ़ती है, इससे जो टीचर जाते हैं बहुत प्रिपेयर होके जाते हैं। और जब हम लोगों ने इसका फीडबैक लिया टीचर से तो उनका कहना था अगर ये मीटिंग नहीं हो रही होती, ये सेशन नहीं हो रहे होते तो हम उतना क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये सेशन लेक्चर डिलीवर करने में उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह जो थर्ड ईयर पढ़ा रहे हैं उनके लिए हम लोग ट्यूसडे फिक्स किया हुआ है टाइम टेबल में 2:30 to 4। तो उन टीचर्स के साथ हम लोग ये थर्ड ईयर का जो कंटेंट है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी तरह वेडनेसडे को हम लोग उन टीचर्स के साथ सेशन रखते हैं जो UHV 4 पढ़ा रहे हैं 2:30 to 4। थर्सडे को हम लोग उनका सेशन रखते हैं जो पूरे कॉलेज में हमको इंक्लाइंट देखते हैं। तो हमारे यहाँ सभी लोग वर्कशॉप कर चुके हैं, तो हर सेमेस्टर हम करीब 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं जो थोड़ा इंक्लाइंट दिखते हैं, उनके साथ थर्सडे को हम लोग मीटिंग करते हैं और इसमें हम लोग कंटेंट को थोड़ा और डेप्थ में डिस्कशन करते हैं। तो ये लोग पढ़ा नहीं रहे होते हैं लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, तो इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट कैसे होते हैं, जैसे हम कोई एक्टिविटी बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो क्योंकि ये टीचर कनेक्टेड हैं, ये बच्चों को मोटिवेट करते हैं क्लास में जाकर, ये अपने डिपार्टमेंट में एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाकर रखते हैं, हेल्प करते हैं उसमें। कोई वर्कशॉप हम लोग बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये टीचर रिकमेंडेशन देते हैं भाई तुम लोगों को करना चाहिए, तो इस दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और हर बार हम लोग 20 से 25 लोगों को सेलेक्ट करते हैं, अगले सेमेस्टर फिर से नेक्स्ट 20-25 लोगों को लेते हैं, तो पूरे कॉलेज में एक इन्वायरमेंट बना रहता है कंटेंट को लेकर, सबकी कंटिन्यूटी बनी होती है, ब्रेक नहीं होता है, तो इससे ओवरऑल कॉलेज में एक इन्वायरमेंट अच्छा बनता है। तो जैसे जनरली लोग इस तरह कंप्लेन करते हैं ना कि कोई दूसरा टीचर आता है और बच्चे जब कहते हैं कि हम UHV पढ़ने जा रहे हैं तो जनरली टीचर अच्छा फीडबैक नहीं देते हैं, अगर और कॉलेजेस की बात करें कि ये भी कोई पढ़ने का सब्जेक्ट है एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्योंकि हम पूरे कॉलेज की फैकल्टी को इन्वॉल्व करके रख रहे हैं तो इस तरह की बात नहीं होती है। तो मोस्टली फैकल्टी यही कहते हैं बहुत अच्छा तुम पढ़ रहे हो, ना समझ में आया तो हमसे भी पूछ लेना। अब सबसे अच्छी बात है कि उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए बहुत सारी फैकल्टी हैं, केवल हम ही 4-5 लोग नहीं हैं, तो इससे पूरा एक इन्वायरमेंट बना रहता है। फिर हम लोग एक समअप लेक्चर रखते हैं, तो जो VSL टीम के जो मेंबर्स हैं जब भी एक यूनिट ख़त्म हो जाती है तो हर यूनिट के बाद हम लोग समअप लेक्चर लेने जाते हैं, जिससे जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं अगर उसमें कुछ छूट गया है, गैप हो गया है, तो उसको हम लोग जाकर कवर करते हैं। तो उससे भी कंटेंट की में जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो बनी रहती है। हम लोग सेंट्रलाइज स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स, नोट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी है जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सब हम लोग सेंट्रलाइज बनाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो इस VSL इस कॉलेज में हो रहा है कि क्योंकि सब लोग कर चुके हैं वर्कशॉप HODs वगैरह, तो अब ये डिसाइड हुआ है कि जैसे कि डिपार्टमेंट में रिसर्च सेमिनार चलते हैं तो हमारे कॉलेज की ये पॉलिसी में आ गया है कि हर डिपार्टमेंट को मंथ में एक बार एक UHV सेमिनार भी कराना है। तो हर फैकल्टी हर बार जो है एक किसी टॉपिक पर UHV सेमिनार भी देती है सारे डिपार्टमेंट्स की फैकल्टी के साथ में, तो फिर से वो एक इन्वायरमेंट बना रहता है। तो हर फैकल्टी कंटेंट पढ़ रही होती है, पढ़ा रही होती है, तो इस तरह से कंटिन्यूटी जो चाहिए कंटेंट के लिए वो पूरे सिस्टम में बना रहता है। तो इतना एफर्ट अभी हम लोग कर रहे हैं और इतना इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि जो लीडर्स हैं वो दो बार इस कंटेंट से निकल चुके हैं,
अभी थर्ड वर्कशॉप हम लोग फिर उनके लिए प्लान करने जा रहे हैं। इवन HODs ने ही कहा कि बहुत दिन हो गए और कोई वर्कशॉप नहीं हुई, अब इसको फिर से प्लान करते हैं, तो हम लोग अब थर्ड बार उसको प्लान करने जा रहे हैं। नहीं अभी तो उनका है, फैमिलीज का तो भी नहीं है। ये कुछ सर्वे है जो हम लोग ने फैकल्टी मेंबर के साथ कंडक्ट किया है। तो हम लोग ने इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और ये बिल्कुल फेयर सर्वे था, किसी को अपना नाम अब नहीं लिखना था, सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो करीब 150 या 200 फैकल्टी मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये 2020 का है, अभी हम लोग दोबारा सर्वे को कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल द टेंडेंसी टू सेल्फ एक्सप्लोर ऑन एनी इशूज़ हैज़ गॉन अप, सो मोस्टली लोगों ने स्ट्रांगली एग्री किया है। शो ऑफ लोगों का डाउन हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, अब जब टीचर पढ़ाने जा रहे हैं तो उनमें इरिटेशन लेवल कम हुआ है, एंगर कम हुआ है, उनमें सुनने की एबिलिटी बढ़ी है। टीचर्स में सुनने की एबिलिटी बढ़ी है, टीचर में गाइडेंस देने की टेंडेंसीज बढ़ी है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई टीचर टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ाने जा रहा है और अभी समय बच रहा है तो ह्यूमन वैल्यूज़ के टॉपिक को पढ़ाने लगते हैं। अदरवाइज़ क्या है, कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाते रहते हैं लोग, लेकिन अब टीचर क्या है वो UHV के टॉपिक्स को ले लेते हैं। दूसरा क्या है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस रहता है कि हर टीचर UHV की बात कर रहा है, ऐसा नहीं केवल UHV वाले UHV की बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा है वो भी UHV की बात कर रहा है, जो मैकेनिकल पढ़ा रहा है वो भी UHV की बात कर रहा है। तो बहुत एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है स्टूडेंट और चिल्ड्रन में। तो ये कुछ सर्वे के क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग ने लोगों से भरवाया था, जैसे कि द फीलिंग ऑफ डाउट अपोजिशन और इग्नोरिंग अदर्स हैज़ गॉन डाउन, तो मोस्टली लोगों ने यस कहा है। तो अगर डिपार्टमेंट लेवल पर भी देखेंगे तो लोगों में जो इमीडिएट रिएक्शन आता था उसमें काफ़ी डाउन हुआ है। अब लोग एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं, लोग एक दूसरे की काउंसलिंग कर देते हैं क्योंकि ये कंटेंट उनके पास है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शंस टीचर्स में दिखाई दे रहे हैं। ये स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो हम लोग ने अभी तक 5 स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम किए हैं। तो हमारे कॉलेज के जो फैकल्टी के अलावा जो भी स्टाफ है, लैब स्टाफ है, प्यून है, अटेंडेंट है, जो भी हैं, उन सब के लिए हम लोग ने वर्कशॉप कंडक्ट किए। अब हम लोग नेक्स्ट फेज से प्लान करने जा रहे हैं इनके लिए। इससे फ़ायदा ये होता है, ये हुआ है मतलब कि जैसे अकाउंट में, तो जनरली जब बच्चे जाते हैं तो अकाउंट वाले बहुत इरीटेटेड रहते हैं, लेकिन क्योंकि इस कंटेंट से निकले हैं तो पहले के कंपेरिजन में उनका इरीटेशन डाउन हुआ है, अब वो ठीक से बात कर लेते हैं। तो लैब में है, जैसे लैब असिस्टेंट हैं, वो जनरली इरीटेट होते हैं, कैसे तुम लोग चले जाते हो, चीज़ें छोड़ के, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अब उनमें इरीटेशन लेवल डाउन हुआ है। तो एक जो पूरे इन्वायरमेंट में एक हारमोनी आनी चाहिए, हम लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए हम लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं अदर देन फैकल्टी डेवलपमेंट एंड स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम लोग एक वर्कशॉप करते हैं, ये हम लोग ने डिज़ाइन किया है। ये 36 आवर का वर्कशॉप है जिसका नाम हम लोग ने दिया है कॉन्शियस इंजीनियरिंग। 36 आवर का ये वर्कशॉप है। कैसे चलता है, सैटरडे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फुल सैटरडे 9 to 5:30, देन फुल संडे 9 to 5:30, देन कॉलेज टाइम में 4:30 to 6:30, एंड देन अगेन नेक्स्ट सैटरडे फुल। इस तरह से हम लोग 36 आवर निकालते हैं। और लोगों को बड़ा सरप्राइज होता है कि जो बच्चे क्लास में नहीं बैठ रहे हैं वो 36 आवर ऑफ टाइम में इस वर्कशॉप को कर रहे हैं। तो 36 आवर हम लोग ये वर्कशॉप करते हैं ना। तो अगर इसका स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये हम लोग ने पहला वर्कशॉप 2022 में किया था जिसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट्स थे। फिर नवंबर 22 में हमने किया, 35 स्टूडेंट्स थे। फिर हम लोग ने जून में किया, 43 स्टूडेंट्स हो गए। और जून तक आते आते ये होने लगा कि बच्चे रेफरेंस से बच्चों को लाने लगे। अब पहले हम लोग को इकट्ठा करना पड़ता था, तो ऐसे कई बच्चे हैं जो खुद भी वर्कशॉप करके गए, फिर अपने जो उनके कज़िन पढ़ रहे हैं उनको भी कहा तुम लोग भी वर्कशॉप करके जाओ, जूनियर्स को भी लोग बता रहे हैं। तो ये बहुत पॉपुलर वर्कशॉप है हमारे कॉलेज में और बच्चे इसमें आने लगते हैं, तो हम लोग को अब एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, अब बच्चे आते हैं। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करवाते हैं। करवाते ये है कि हम लोग ने जो इसका कंटेंट डिज़ाइन किया है
उसमें ये जो स्टेप्स हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्निंग एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज वन का फिफ्थ स्टेप तक हम लोग जाते हैं और कुछ पार्ट रिलेशनशिप का है। तो काफ़ी हम लोग ने एक्सपेरिमेंट कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं और देखा है कि ये स्टेप्स बच्चे बहुत अच्छा रिसीव कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग कोई थ्योरेटिकल कंटेंट डिस्कस नहीं करते हैं, जैसे ट्रस्ट रिस्पेक्ट इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि वो UHV2 में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। हम इसमें प्रोसेस पर बात करते हैं। तो जो मॉर्निंग सेशन में चल रहा है, स्टेप 5-6 तक हम बच्चों को यहाँ पर लाते हैं और बच्चे बहुत जल्दी उसको रिसीव कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इनफैक्ट बच्चों का ये फीडबैक है कि इस प्रोसेस से जब हम निकलते हैं तो जो बाहर के डाइवर्जन है उससे वो इजिली बच पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस उनमें चल रहा है। तो कंटेंट ग्रुप में देखेंगे तो ये स्टेप्स और कुछ फीलिंग्स, ग्रेटिट्यूड तक की फीलिंग, इसको मिक्स करके हम लोगों ने पूरा कोर्स कंटेंट डिजाइन किया है। और 23 में 39 बच्चे थे। फिर अभी हम लोग ने लेटेस्ट वर्कशॉप किया है 8 to 15 June, 45 स्टूडेंट्स में थे। 45 से ज़्यादा हम लोग लेते नहीं हैं, और सर्टिफिकेट हम तभी देते हैं जो बच्चे 100% अटेंडेंस के साथ करते हैं। अगर एक भी सेशन कोई मिस कर देता है तो हम लोग उसको सर्टिफिकेट नहीं देते, उससे कहते हैं आप दोबारा वर्कशॉप करो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे इस बात से परेशान नहीं होते हैं, जितना वो अटेंड कर लेते हैं उनको लगता है सर इतना भी काफ़ी मिल गया है, तो अब सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें। तो अभी तक हम लोग 184 स्टूडेंट्स करीब निकल चुके हैं और हर सेमेस्टर हम लोग एक वर्कशॉप इसको रखते हैं। ये हम लोग टूल देते हैं बच्चों को खुद को मेज़र करने का, खुद को इवेल्युएट करने का। तो जैसे फॉर एग्जांपल एबिलिटी टू काउंसल माईसेल्फ, तो बच्चा टिक करता है पहले दिन क्या है, दूसरे दिन क्या है, तीसरे दिन अपने को कहाँ पा रहा है 1 to 10 में, फोर्थ डे कहाँ पा रहा है, 8th डे कहाँ पा रहा है। इस तरह से बच्चे खुद का ग्राफ प्लॉट करते हैं हर दिन। तो मोस्टली जगह हम लोगों ने देखा है ग्राफ अप ही गया है ना। एक ही आध केस होते हैं जिसमें बच्चा या तो स्टेबल ग्राफ बनाता है या कुछ डाउन बनाता है। उस पर जब हम पूछते हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि वो समझ नहीं पाया कि क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज मोस्टली टाइम हमको ग्राफ अप ही मिलता है। ये कुछ पिक्स हैं कॉन्शियस इंजीनियरिंग वर्कशॉप की। तो हम लोग देखने का अभ्यास से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप्स को अनफोल्ड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा 36 आवर वर्कशॉप इसको चलाते हैं। और ये वर्कशॉप यहाँ ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद हम इन बच्चों का एक फॉलो अप सेशन रखते हैं ऑनलाइन एवरी सैटरडे 8 to 9। तो उसमें बच्चे आते हैं, जो हफ्ते भर में उनका गेन होता है या जो ऑब्जर्व करते हैं उसको शेयर करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो इस तरह से उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। एक इवेंट हम लोग चलाते हैं दृष्टि, ये दूसरी इवेंट है, ये 2 hours इवेंट है। इसमें हम बच्चों को कोई वीडियो दिखाते हैं ना, रिलेशनशिप रिलेटेड, नेचर रिलेटेड, और बच्चों से पूछते हैं, ये ओपन टू ऑल होता है, कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करता है, और बच्चों से पूछते हैं तुमने इस वीडियो में क्या देखा है, वो बच्चे शेयर करते हैं। जब 10-15 लोगों की शेयरिंग हो जाती है फिर हम लोग इस वीडियो के कंटेंट को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ रखते हैं। तो इससे भी बच्चों का ध्यान बहुत जाता है कि हम कैसे देख रहे थे और अब कैसे सर बता रहे हैं। तो वो भी एक तरीका है कि बच्चों का ध्यान जाता है कि इस एंगल से तो हम इस इवेंट को देख ही नहीं रहे थे, इस एंगल से तो हम इस सीन को देख ही नहीं रहे थे। तो ये भी इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल है जिसमें बच्चे आते हैं, रजिस्टर करते हैं, मूवी देखते हैं और फिर डिस्कशन होता है, बाद में क्विज होता है उस डिस्कशन पर बेस्ड। मूवी हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट कर रखी है, आप लोग को चाहिए होगा तो हम दे देंगे, वो हम लोग के पास डेटाबेस है, इसमें से जो भी आपको चाहिए होगा हम सब दे देंगे। एक वर्कशॉप हम लोग चलाते हैं अंडरस्टैंडिंग साइंस ऑफ रिलेशनशिप, इसमें केवल फीलिंग्स की बात करते हैं, ट्रस्ट से लेकर लव तक। ये शॉर्ट वर्कशॉप है, 2 hours डेली चलता है कॉलेज के बाद, 4:30 to 6:30 पूरा वीक चलता है। और 2017 में हमने ये वर्कशॉप स्टार्ट किया था, मुझे ध्यान है कि 2017 में हम लोग हॉस्टल गए थे, करीब 30-35 बच्चों को जबरदस्ती पकड़ के लाए थे, HOD थे, जबरदस्ती पकड़ लाए, चलो तुम लोगों को वर्कशॉप करना है। अगले दिन HOD चले गए, बच्चे भी चले गए, केवल 5 बच्चे बचे थे बस। उन 5 बच्चों के साथ हम लोग ने ये 2017 में वर्कशॉप चलाया था, उसमें से एक बच्चा था जिसने 100% किया। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बच्चों को कनेक्ट करता चला गया।
और आज की डेट में ये है कि जब हम लोगों ने लास्ट वर्कशॉप की थी उसमें 3 रिसोर्स पर्सन पैरेलली ले रहे थे, करीब 80 या 90 बच्चे पैरेलली वर्कशॉप कर रहे थे, तो ये बड़ा अच्छा है। तो फीडबैक से बच्चे ना वर्बली फीडबैक से आ रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी से आ रहे हैं। इसमें कंटेंट फीलिंग को रखते हैं भैया, रिलेशनशिप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपको रिलेशनशिप टेम्परेरी चाहिए या कंटिन्यूअस चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए। तो जब कंटिन्यूअस बोलते हैं तो फिर हम लोग बताते हैं ये फीलिंग पर बेस्ड होगा, ट्रस्ट रिस्पेक्ट अफेक्शन, तो इसकी कंटिन्यूटी बनेगी, फिर उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। हाँ फैमिली, हाँ देखिए क्या है ना, उसमें कुछ कीवर्ड्स हमको ऐसे जोड़ने पड़ते हैं जैसे बच्चों का अपील करें, जैसे कॉन्शियस इंजीनियरिंग, यही कंटेंट हम लोग ने IIT दिल्ली में अलुमनाई के लिए चलाया था, उसका टाइटल रखा था अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप थ्रू सेल्फ डिस्कवरी। तो वो लीडरशिप के नाम से करीब 80 लोग आ गए विद फैमिली, और 3 दिन बाद वो भूल भी गए कि लीडरशिप पे भी कोई बात होनी थी, वो वर्कशॉप का कंटेंट ही चलता रहा। तो लोगों को ज़्यादा खींचना पड़ता है एज ए टेक्निकल टर्म के थ्रू, है ना। टेक्निकली डिस्कस करेंगे तो अभी हम लोग जब इस UHV 3 में भी आगे पढ़ेंगे तो साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ सब देखेंगे अभी, लेकिन वो थोड़ा सा अपीलिंग टॉपिक रखने पड़ते हैं हम लोग को। ये वर्कशॉप भी हम लोग की काफ़ी अच्छी चलती है, इसको हम लोगों ने रखा है म्यूचुअली फुलफिलिंग कम्युनिकेशन। ये वर्कशॉप भी पूरा प्रोसेस बेस्ड है कि कैसे जब हम किसी को सुन रहे हैं तो उसके थॉट को सुन के उसकी फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना, और कैसे जब मैं किसी को कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो अपने थॉट्स के साथ अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट करना, केवल फीलिंग पर ये पूरी वर्कशॉप चलती है, पूरा वीक वर्कशॉप चलती है 2 आवर्स डेली, और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है इसका। मतलब बच्चे वो जो थॉट में ट्रैप होने वाला पार्ट है ना उससे निकल कर फीलिंग की तरफ ध्यान देने लगते हैं, तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल हम लोग की वर्कशॉप चलती है। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना, कोई कंटेंट नहीं रखते हैं, रिलेशनशिप वाला पार्ट नहीं रखते हैं, प्रोसेस वाला पार्ट रखते हैं। तो किसी को सुनना, उसके फीलिंग ऑब्जर्व करना और उसके थॉट के पीछे की फीलिंग को सेंस करना, अपने को ऑब्जर्व करना और अपने थॉट के पीछे की जो फीलिंग है उसको ठीक से कम्युनिकेट कर देना, इस पर बेस्ड हम लोगों ने ये कंटेंट डिजाइन किया है, तो इस पर भी वर्कशॉप काफ़ी अच्छी चलती है। ये कुछ NVC ऐसा है? हाँ वैसे ही है, वैसे नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन से ही जुड़ा हुआ है जी। तो यही फीडबैक हम लोग बच्चों को देते हैं भरने के लिए, तो बच्चे इसको भर पाते हैं और डेली देख भी पाते हैं उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसके साथ हम लोग कुछ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, जैसे कि श्रमदान, हम लोग ने ये एक्टिविटी स्टार्ट की है कॉलेज में, श्रमदान एंड कर्तव्य। श्रमदान में हम बच्चों को एक लैंड देते हैं, पैच देते हैं, जिसमें बच्चे जाकर फिजिकल लेबर करते हैं, तो वहाँ की ज़मीन को ठीक करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो श्रमदान का पूरा एक टीम है, तो बच्चे वॉलंटियरली आते हैं, श्रमदान करते हैं। इसी तरह कर्तव्य हम लोग ने एक एक्टिविटी चलाई हुई है, कर्तव्य में हम लोग ने ये प्लान है कि बच्चे एक एक प्लांट को अडॉप्ट करें और उसकी टेक केयर करें जब तक वो कॉलेज में हैं, और जब वो जाएं तो किसी जूनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाएं, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको इसको संभालना है। तो ये 2 एक्टिविटी अभी हम लोग ने इन्वायरमेंट के लिए चलाया हुआ है। नहीं कुछ नहीं, ये वो बच्चे हैं जो VSL से जुड़े हुए हैं और दूसरे बच्चों को भी लेते हैं और सेल्फ मोटिवेशन से करते हैं, इसको हम लोग ने मार्क्स से नहीं जोड़ा है। हाँ NSS है हमारे यहाँ, लेकिन उससे हम लोग एसोसिएट नहीं, हम लोग अलग ही एक्टिविटी चला रहे हैं, तो बच्चे सेल्फ मोटिवेट होकर कर रहे हैं, हम लोग उसको मार्क्स से नहीं जोड़ा हुआ किसी करते हैं। इसके साथ ही देखेंगे हम लोग के यहाँ जो ट्रीज हैं, जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग ने ट्रीज़ के साथ में लिखी हुई है, उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या है। तो जब बच्चे आते जाते हैं तो इसको देखते हैं कि ये कौन सा पेड़ है, अदरवाइज़ बच्चे आजकल पहचान नहीं पाते कौन सा पेड़ है, तो पेड़ कौन सा है और उसकी क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, है ना, उसके क्या गुड प्रॉपर्टीज़ है, वो सब हम लोग लिख कर रखा हुआ है। और ये सब 20 साल के बच्चों ने ही डिज़ाइन किया है, तो जितने भी बड़े और इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं जैसे कल्पवृक्ष है, जामुन है, नीम है, इन सब की क्या मेडिसिनल वैल्यूज़ है, क्या भागीदारी है शरीर में, उसके साथ ये लिखा हुआ है वहाँ पर। एक मेडिसिनल गार्डनिंग भी बच्चों ने डेवलप किया है VSL ने, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स लगे हुए हैं, तो बच्चे वहाँ जाकर देख सकते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, पत्तियाँ कैसी हैं, फूल कैसे हैं, इस तरह से।
एक हम लोग ने इवेंट स्टार्ट किया समृद्धि प्रवाह। तो हम लोग ने इस तरह से इसको स्टार्ट किया है कि जो भी हमारे पास आवश्यकता से अधिक है वो हम लोग एक जगह कलेक्ट करें और जिनको आवश्यकता है वो ले लें। तो इसमें ये नहीं है कि हमारे पास आवश्यकता से अधिक हम गरीबों को दे रहे हैं, नहीं, हमारे घर में जो भी आवश्यकता से अधिक पड़ा है और पूरे कॉलेज में जिसको लगता है उसकी आवश्यकता है वो ले लें। तो ये कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है कि गरीबों को कुछ हम दे रहे हैं। तो समृद्धि का एक जो कंसेप्ट है ना, उससे जोड़कर हम लोगों ने इसको चलाया है समृद्धि प्रवाह। तो जो भी फैकल्टी मेंबर्स बच्चों के पास एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग रखते हैं और जिनको आवश्यकता है वो ले लेते हैं। ये जस्ट स्टार्ट किया है, अभी हम लोग इसको और कोशिश कर रहे हैं कि पॉपुलर हो जाए। ये कुछ शेयरिंग है समृद्धि प्रवाह के अंदर में। हाँ, एक हम लोग ने सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल प्रोडक्शन सेंटर भी बनाया हुआ है। इस सेंटर में क्या है, हम लोग अभी ऐसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सस्टेनेबल तरीके से बने और सस्टेनेबल हों। उसमें अभी एक प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किया सोप का। तो ये सोप में हम लोग सिंपल जो एलोवेरा कॉलेज में उग रहा है, ग्रो हो रहा है, उस एलोवेरा का यूज़ करके और जो कॉलेज में नीम के पेड़ हैं उसकी नीम की पत्तियाँ तोड़ के उसको ग्राइंड करके ये सूप तैयार कर रहे हैं। तो इसमें कोई हम लोग ने एक्सटर्नल केमिकल नहीं डाला हुआ है, तो इसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना। हाँ, और काफ़ी फैकल्टी इसको यूज़ कर रही हैं, है ना। और हम लोग ने इसको पहले ये सोचा था कि बिना पैकेट के रखेंगे, क्योंकि पैकेट के क्यों, कॉस्ट भी है, फिर इन्वायरमेंट पर भी बर्डन है, वो उतना पेपर बन रहा है, वो सब कर रहा है। तो उन सबको ध्यान में रखा था हम लोग ने कि बिना पैकेजिंग के देंगे, लेकिन वो बाहर का इन्फ्लुएंस अभी इतना ज़्यादा है। तो हम लोग ने फिर उसकी पैकेजिंग करवाई और हम लोग ने ये कहा कि अगर पैकेजिंग तुम वापस करोगे तो 5 रुपये नेक्स्ट वाले में लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग ने उसको भी चलाना चालू किया है कॉलेज में ही। हाँ हाँ, कॉलेज में एक स्पेस मिला हुआ है हम लोग को, और इसमें हम लोग ने उन अटेंडेंट्स को इन्वॉल्व किया है जिनकी सैलरी बहुत कम है, तो वो इसमें काम करते हैं, सोप बनाते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नहीं, ये टोटल हैंडमेड है, अभी हम लोग मशीनरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हैंडमेड है, क्योंकि हम लोग का पर्पज़ वो नहीं है कि इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के बेचें, बेचना पर्पज़ नहीं है, है ना। हम लोग उसमें कोई प्रॉफिट भी नहीं ले रहे हैं, पर्पज़ ये है कि बच्चे लर्न करें कैसे चीज़ें बन रही हैं और उसको यूज़ करें, बेचना पर्पज़ नहीं है। तो हम लोग इसको मार्केट में भी ओपन नहीं किया है, सिर्फ बच्चे ही लेते हैं इसको और फैकल्टी मेंबर्स लेते हैं, और कोई नहीं लेता है। हाँ, उसके लिए हम लोग ने एक ऐप डेवलप करवा रहे हैं अभी। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर के बच्चे हैं वो एक ऐप डेवलप कर रहे हैं, उस ऐप में सारा रिकॉर्ड होगा, आपने क्या लिया है, किसके पास क्या एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब अगर हिचाएगा तो हमसे बात करेंगे, है ना, लेकिन ये सब पॉसिबिलिटी तो है ही। हाँ, वो सब की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन क्या अभी धीरे धीरे जब इन्वायरमेंट बनेगा ना तो वो कल्चर जैसा हो जाएगा, ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ा सा समय लगता है। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए हम लोग गेस्ट लेक्चर्स करवाते रहते हैं, है ना। जैसे शर्मिला दीदी का भी हम लोग ने गेस्ट लेक्चर करवाया था होलिस्टिक हेल्थ पर, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी हम लोग बुलाते हैं जो होलिस्टिकली एक व्यू देते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बुलाते हैं, उनके गेस्ट लेक्चर्स करवाते हैं। ये ग्रीन मैन ऑफ इंडिया है, इनका भी हम लोग ने लेक्चर कराया था। ये हम लोग एक वर्कशॉप करते हैं DDU GKY स्टूडेंट्स के लिए, एक गवर्नमेंट की स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय करके। तो वहाँ जो आसपास के विलेजेस है वो कॉलेज आते, बच्चे जो आते हैं विलेजेस से स्किल सीखने के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर जनरल है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, तो उन्होंने ये तय किया कि हम लोग केवल स्किल नहीं सिखाएंगे, इनको वैल्यूज़ वाला पार्ट भी सिखाएंगे। तो इनके लिए भी 15 डेज के सेशन चलते हैं, 3 आवर 4 आवर्स डेली। तो अभी तक हम लोग 4 बैचेस इनके लिए कर चुके हैं और इनके फीडबैक बड़े इंकरेजिंग है, जो गाँव से लोग आए ये फीडबैक्स है ना। ऐसा लगता था कि गाँव से आए हैं कैसे ये बच्चे इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन जब बच्चे पूरे कंटेंट से निकलते हैं तो बीटेक के कंपेरिजन में जल्दी रिसीव कर लेते हैं,
बीटेक के बच्चों के तो बहुत सारे है ना डाउट से स्टार्ट करते हैं वो, तो ये लोग बहुत अच्छे से रिसीव कर लेते हैं। अभी हम लोग ने एक यूएनआई का मेंबरशिप मिला है हम लोग को, यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट, जिसके चलते हम लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी काम कर रहे हैं। तो ये जस्ट अभी 4 मंथ्स बैक ही हमको मेंबरशिप मिली है इसकी। अब हम लोग एक एक गोल को एक्टिविटी से जोड़कर उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे जी। और पूरे कॉलेज में इन्वायरमेंट बना रहे उसके लिए एक हम लोग एक्टिविटी ये सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल अर्थ डे। तो इसमें हम लोग ने इस बार इतनी एक्टिविटीज़ की थी, एक ग्रीन मैन ऑफ इंडिया को बुलाया था, उनका एक सेशन हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा उनका, ऐसे राइटिंग बच्चों को सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक देते हैं और बच्चे उस पर ऐसे राइटिंग करते हैं। ग्रीन शार्क टैंक, ये बच्चों ने नया कंसेप्ट निकाला, आप देखेंगे आजकल वो आता है ना शार्क टैंक, उसमें क्या लोग अपना बिजनेस आइडिया देते हैं। ग्रीन शार्क टैंक में क्या है, हमको इन्वायरमेंट से रिलेटेड आइडिया देने हैं। तो ये बच्चों ने नया टर्मोलॉजी वीजल के बच्चों ने निकाला और उसको सक्सेसफुली चलाया अभी। ग्रीन फिल्म फेस्टिवल, अभी फिल्म फेस्टिवल चलता है, बच्चों ने इसको ग्रीन फिल्म फेस्टिवल बना दिया। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक वीडियो दिखाकर उस पर फिर क्विज करना, क्वेश्चन आंसर करना, जिससे कि एक सेंसिटाइजेशन हो कॉलेज में। हम लोगों ने नेक्स्ट मैन ऑफ इंडिया को बुलाया है ना, प्लैनेट पजल पैराडॉक्स, वो सब बच्चों का क्रिएटिविटी है, जो बच्चे इंक्लाइंड करते हैं वो कुछ क्रिएटिव करके टर्मोलॉजी निकालते हैं फिर उसको रन करते हैं, तो पूरे कॉलेज में एक इन्वायरमेंट बना रहता है। ये कुछ पिक्स हैं। ग्रीन मैन ऑफ इंडिया जब आए थे तो उन्होंने इस मूवमेंट की स्टार्टिंग की है एक पेड़ धरती के नाम, और ये इवेंट जो है यूएन में रजिस्टर्ड हुआ है। ये कुछ पिक्स है इंटरनेशनल अर्थ डे का। विजयपाल बघेल जी, ये गाजियाबाद के ही हैं, लेकिन जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको है ना। ठीक है, हम लोग ने एक उत्सव करके इवेंट चलाया जिसमें हम लोग ने एलुमनाइज को बुलाया, जो वीएसएल के बच्चे बाहर चले गए उनको हम लोग ने बुलाया था, और पर्पज़ ये था कि हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि अब वो बच्चे इस कंटेंट के साथ जुड़ के चीज़ों को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तो इस कुछ 15 एलुमनाइज करीब आए थे, 15-16 एलुमनाइज, और इनके जो फीडबैक थे उस समय इतने इनक्रेजिंग थे कि सारे एचओडीज इस बात से बड़े सरप्राइज थे कि जो उन्होंने सीखा है ह्यूमन वैल्यूज़ में, जो वीएसएल से जुड़कर है ना, वो टीचिंग इनके साथ अभी भी काम कर रही है ना। तो ये जैसे बाकी लोग आईटी के जो लोग हैं इधर उधर डाइवर्जन में फंस जाते हैं, ये लोग नहीं फंस रहे हैं, ये लोग जॉब और फैमिली में बैलेंस बना पा रहे हैं, ये टीम को भी ठीक से लीड कर पा रहे हैं। तो ये सब रिफ्लेक्शन देख के एचओडीज को बड़ा अच्छा लगा, अब हम लोग उत्सव 2.0 करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। ये कुछ फीडबैक है, जैसे ये डायरेक्टर जनरल जब वहाँ प्रेजेंट थे और उन्होंने बच्चों के फीडबैक जब सुने, शेयरिंग सुनी है, तो उन्होंने लिख कर दिया है इसके बारे में, एचओडीज ने लिख कर दिया है कि उनको क्या फील हुआ उस समय। तो ये हम लोग ने एज ए डॉक्यूमेंट इसको रखा हुआ है। इसके साथ हम लोग ने एक पब्लिश किया है इमरजेंस मैगजीन करके, जिसमें 2017 से लेकर 20 तक का पूरा जर्नी जो वी सेल की रही है वो इसमें अवेलेबल है, आप लोग नेट से भी ले सकते हैं AKGC की साइट पर जाकर। इसमें जो दो बच्चे हैं, एक अरुण कुमार मौर्य हैं जो फैकल्टी है, हमारे साथी हैं अभी, कहाँ अरुण कुमार, ये हमारे साथ फर्स्ट ईयर में जुड़े थे जब ये फर्स्ट ईयर में थे, तो पूरा बीटेक इन्होंने किया। ये हमारे साथ फर्स्ट ईयर में जुड़े थे और ये यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं है ना, इनफैक्ट एमटेक में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और ये इसका श्रेय काफ़ी हद तक वैल्यू एजुकेशन को देते हैं। ये इस बात को अच्छे से बताते हैं कि वैल्यू एजुकेशन सेल से जुड़कर ये जो वर्कशॉप्स किया है, इन्होंने IIT कानपुर में भी 8 दिन का वर्कशॉप किया, जब ये स्टूडेंट थे तभी कर लिया था, तो ये इसको क्रेडिट देते हैं कि वैल्यू एजुकेशन सेल से जो हमको क्लैरिटी मिली है उसकी वजह से मेरा डाइवर्जन बहुत कम रहा और मैं इतना गेन कर पाया। और फिर इन्होंने अपने जूनियर को जोड़ा, ये देवांश भटनागर इनका 3rd ईयर का था, ये भी हमारे साथ जुड़ा और इसको भी अभी यूनिवर्सिटी से सिल्वर मेडल मिला है, ये 2nd टॉपर यूनिवर्सिटी के। तो एक अच्छा जनरेशन बाय जनरेशन चीज़ें चल रही हैं।
सोसाइटल डेवलपमेंट में देखेंगे तो हम लोग FDP बाहर लेते ही रहते हैं। इसके अलावा हम लोग जो कर रहे हैं उस पर मैं ध्यान दिला देता हूँ। हम लोग ने अभी एक डासना जेल है गाजियाबाद में, उसमें फीमेल इनमेट्स के साथ वर्कशॉप किया है, तो करीब 15 डेज ये चला था, 2 आवर्स डेली। और मतलब उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, जब ये महिलाएं सारा वर्कशॉप कर रही थी तो वहाँ पर एक दूसरा ग्रुप भी था जो इस तरह के काम करता था। तो थोड़े दिन बाद, 3 या 4 दिन बाद, वो जो दूसरे ग्रुप वाले थे उनको परेशानी होने लगी कि ये सारी महिलाएं टाइमली वहाँ कैसे पहुँच जाती है, हम लोग को बुलाते रहते नहीं आती हैं। तो वो बीच में कोशिश करने लगे कि ये लोग UHP की वर्कशॉप में नहीं जाएं, लेकिन ये लड़ झगड़ कर UHP की वर्कशॉप में आ जाते थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसमें रही, और इनके फीडबैक बहुत अच्छे रहे महिलाओं के। तो अभी तक हम लोग नेक्स्ट वर्कशॉप इनके साथ प्लान नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वर्कशॉप इनके साथ प्लान करें। हम लोग ने कॉलेज में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए वर्कशॉप किया 3 दिन का। तो ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स की फैमिलीज़ हैं, करीब 25 लोग रहे होंगे, तो इनके साथ पूरा 3 दिन का हम लोग ने वर्कशॉप किया। तो अब अगर देखेंगे इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि हमारे कॉलेज में अब इंडिविजुअल ही नहीं लग रहे हैं, लोग फैमिली के साथ कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। तो जैसे हम लोग फैमिलीज़ का वर्कशॉप किया है, और हम लोग कैंपस में फैमिलीज़ के लिए वीक में 1 दिन सेशन रखते हैं ऑफलाइन। तो कैंपस में जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो आते हैं, हम लोग हर वेडनेसडे एक सेशन रखते हैं 8 से 9। और अब ऐसा होने लगा कि पूरी पूरी फैमिली विथ देयर चिल्ड्रेन कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, जैसे कि जितेंद्र छाबड़ा जी हैं, कहाँ के हाँ सर हैं, सर की पूरी फैमिली उसमें आती है, वर्कशॉप करती है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में सर बैकग्राउंड में ही काम कर देते हैं। अखिलेश सर हैं, अभी यहाँ पर नहीं है, उनकी पूरी फैमिली, अखिलेश सर, पारुल मैम, उनके दोनों बच्चे, पूरे तन मन धन से इस पूरे VESL के काम में वो लोग लगे रहते हैं, है ना। तो पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होने लगी हमारे साथ, ये एक अच्छी बात हो रही है। ये हम लोग ने एक CBI का वर्कशॉप किया था, CBI एकेडमी है हमारे गाजियाबाद में कॉलेज के पास, तो वहाँ के ये वो ऑफिसर्स हैं जो बहुत जल्दी, है ना, ऑफिसर रैंक में जाने वाले हैं CBI में, उनके लिए हम लोग ने ये वर्कशॉप किया था। तो ये वर्कशॉप भी बड़ी अच्छी रही, हालांकि ये फ़ोटो दिखाने के लिए मना किया उन्होंने, मैं इसको हटा देता हूँ, कॉन्फिडेंशियल है ना, तो वो कॉन्फिडेंशियल था, उन्होंने फ़ोटो लगाने से मना किया है, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आगे जाएंगे ना, तो फेस रिवील नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा वर्कशॉप था, 3 दिन का वर्कशॉप था। शुरू में जब हम लोग गए थे वो बिल्कुल टाई बेल्ट लगा कर, है ना, जैसे रोबोट होते हैं ना, हम लोग जैसे स्टेज पर गए वो सबके सब बैठे हुए थे, कोई हिल ही नहीं रहा था। मुझे बड़ा डाउट होने लगा कि 110 लोग करीब थे, एक भी व्यक्ति नहीं हिल रहा है। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज़ आई, नाउ यू कैन रिलैक्स, सब रिलैक्स हो गए, वो इंस्ट्रक्शन पे काम करते थे। जब कोई कहेगा रिलैक्स तो रिलैक्स हो जाएंगे, जब कोई कहेगा सावधान तो बिल्कुल स्टेचू बन के बैठे रहेंगे। तो पहले तो वो लोग चेयर्स पे बैठते थे, तो हम लोग ने उनके इंस्ट्रक्टर से जो भी थे उनसे रिक्वेस्ट की, भैया ऐसे वर्कशॉप नहीं चलेगा, ये सब टाई बेल्ट लगा के ऐसे बैठे रहते हैं, कम से कम ट्राउज़र और टी शर्ट ही अलाउ कर दो। तो उनके ड्रेस कोड में एक ट्राउज़र और टी शर्ट था, फिर उन्होंने उसको अलाउ किया। फिर हम लोग ने नीचे बैठा के उनको करवाना चालू किया, नीचे बैठाया तो इंटरनली कुछ फोटोग्राफ्स हुई, अब उनके ऑफिसर्स के पास गई, अब उन्होंने कहा जो ऑफिसर होने वाले उनको अब ज़मीन पर कैसे बैठा सकते हैं। फिर हम लोग ने दूसरा अरेंजमेंट किया, लेकिन लास्ट डे आते आते ऐसा होने लगा कि सब लोग ओपन होने लगे। उसमें प्रॉब्लम ये होती थी, जैसे ही ओपन होते थे वो जो मॉनिटर कर रहा था उसको लगता था ये लोग इनडिसिप्लिन हो रहे हैं, वो पीछे चिल्लाता था बहुत हो गया, लोग फिर से स्टेचू बन जाते थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्कशॉप चला। हालांकि उन्होंने कहा कि फीडबैक उन्होंने सुना, जो SP वगैरह आए हुए थे उन्होंने फीडबैक सुना, फिर उन्होंने कहा कि हम लोग इसके 15 दिन की जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें इस मॉड्यूल को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कब एग्जीक्यूट होगा। ये हम लोग ने हमारे आसपास के जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स हैं, इनके लिए हम लोग ने 3 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया, विजन फॉर होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, 3 दिन का टीचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था। इसमें करीब 3 स्टेट के स्कूल्स आए थे, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और करीब 55 टीचर्स ने ये पूरा वर्कशॉप किया। और इस वर्कशॉप का आउटकम ये आया कि इसमें से कुछ स्कूलों ने हमारे कॉलेज का अप्रोच किया कि हमारे फैकल्टी के लिए पूरा 8 दिन का कराइए। और उसके सीक्वेंस में हम लोग ने अभी 8 दिन का ये वर्कशॉप कंडक्ट कराया है। तो एक स्कूल है गाजियाबाद में, सरस्वती विद्या मंदिर राजनगर में,
तो उनके प्रिंसिपल ने अप्रोच किया कि हमारी फैकल्टी को आठ दिन का कराइए, क्योंकि जो फैकल्टी करके गई थी उनका फीडबैक सुन के उनको ऐसा लगा कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ने 22 से 29 जून अभी लेटेस्ट ये वर्कशॉप कंप्लीट किया है, और ये जितना भी काम हो रहा है ये सब सेल्फ फंडेड मोड में हो रहा है। ये स्कूल का 8 दिन का रहना, खाना पीना सब कॉलेज ने एज ए रीजनल नोडल सेंटर किया है, स्कूल से एक भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है ना, पैसे लगे। और ऐसा हो पा रहा है क्योंकि हम लोग के पास एक है ना अच्छी टीम है, ये सब लोग वेल रिकग्नाइज लोग हैं। उपासना जी हमारे साथ हैं, पारुल वर्मा हमारे साथ हैं, रिसोर्स पर्सन है AICT में, नित्या दीदी हैं हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं जिन्होंने स्कूल एजुकेशन पर बहुत सारा काम किया है। कहाँ गई नित्या दीदी? हाँ पीछे वो नित्या दीदी बैठी हुई हैं। स्कूल एजुकेशन पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अखिलेश जी हैं, जितना भी ऑनलाइन चल रहा है उसका जो रिकॉर्डिंग वाला है सब अखिलेश जी वॉलंटरली देखते हैं। इन्हीं की वाइफ है डॉक्टर पारुल वर्मा जिनकी मैं बात कर रहा था, ये दोनों विद फैमिली और दोनों बच्चे वैल्यू एजुकेशन के काम को वॉलंटरली करते रहते हैं। अभी जितेंद्र जी की मदर इन लॉ ने भी वर्कशॉप किया, उन्होंने भी हमसे ये कहा कि कुछ भी काम हमें दे दीजिए हम तो खाली बैठे रहते हैं, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। RP सिंह सर है हमारे साथ, राघवेंद्र भैया यहाँ पर, BN पांडे जी हैं, तो एक अच्छी टीम है हमारे पास है ना, जिसकी वजह से ये सारा काम हो पा रहा है। तो ये ब्रीफ है हमारी जर्नी, एक ब्रीफ में लिखा हुआ, और ये हमारा टारगेट है 2030 तक कॉलेज को इस्टेब्लिश करना एज ए लिविंग मॉडल। इसमें रिसर्च स्टार्ट हो सके होलिस्टिक मॉडल सिस्टम टेक्नोलॉजीज पर, मेजर माइनर डिग्री UHP में स्टार्ट हो सके, और इसको एज ए नेशनल रिसोर्स सेंटर ऑफ UHP हम लोग स्टेबल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से ज़्यादा समय ले लिया हमने। किसी के हाँ चैलेंजेस तो रहते ही हैं, आसान तो नहीं रहता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है कि जो व्यक्ति इस काम को कर रहा है वो कितना स्टेबल है। अगर वो स्टेबल रहता है तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होने लगता है। अगर वो व्यक्ति स्टेबल नहीं है, वो थोड़े दिन बाद खुद ही रिएक्शन में आ जा रहा है, फिर समय लगता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है स्टेबल होना एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अगर हम स्टेबिलिटी के साथ लगते हैं तो धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगते हैं कि ये व्यक्ति है ना कर रहा है, फिर लोग जुड़ने लगते हैं, लेकिन शुरू में समय लगता है। जी 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 तो डिपार्टमेंटल जी उसमें देखिए वैरायटी है हमारे साथ, जैसे कि BN पांडे सर हैं, ये CST की फैकल्टी हैं, तो ये CST का भी एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और ह्यूमन वैल्यूज़ के भी दो सेक्शन देते हैं। लेकिन क्योंकि वैल्यू एजुकेशन सेल में है इसलिए कॉलेज की तरफ से इतनी हेल्प हमको मिली है कि बाकी काम ये डिपार्टमेंट का नहीं करेंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ाने के अलावा बाकी काम VE सेल का करेंगे, तो उस तरह से ये फ्री हो जाते हैं। इसी तरह EC से RP भैया हैं, एक सेक्शन EC का लेते हैं लेकिन बाकी डिपार्टमेंटल काम नहीं मिलता, बाकी VE सेल में। तो हम लोग सुबह से शाम तक अवेलेबल रहते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। नहीं ये डीन वैल्यू एजुकेशन है, हमारा जो वैल्यू एजुकेशन सेल है उसकी डीन है। हाँ वो लिख दूंगा अगली बार, डीन वैल्यू एजुकेशन सेल है। फिर बाकी जो लोग हैं जो डिपार्टमेंट में हैं है ना और वैल्यू एजुकेशन सेल में फॉर्मली नहीं है, तो वो बैकग्राउंड में बहुत सारा हेल्प हमारी करते रहते हैं। ठीक है तो हाँ इसमें मनीषी मैम का नाम नहीं लिखा हुआ शायद, एक्चुअली पुरानी स्लाइड है, मैं धीरे धीरे ऐड कर दूंगा। सबसे पहले वाली में थे तो नहीं, ठीक है मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है तो मेरी तरफ से इतने, तो भैया ज़्यादा समय ले लिया मैंने। और भी एक क्वेश्चन, AICT में एक्सटेंशन वर्कशॉप अप्रूव्ड है। अच्छा जो आपका जैसे स्कूल्स में स्कूल के फैकल्टीज के लिए वर्कशॉप आपने कराई है, इसे आप AICT के बैनर के अंदर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं था।
ठीक है, अगली बार से इसको ध्यान रखें। एआईसीटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसको जी जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है भैया। गोपाल भैया एक बस सवाल और कर दीजिए लास्ट। कॉलेजेस में आजकल कल्चरल फेस्ट का बड़ा जो है वो गंदा माहौल सा हो गया है, और उस पर खर्चा भी बहुत होता है, करीब 10-15 लाख तक जो है वो बजट जाने लगा है, तो क्या आपके इंस्टीट्यूट में भी ऐसा कुछ होता है या फिर आप लोगों ने कुछ पॉलिसी बनाई है इसके लिए भी? कल्चरल फेस्ट को लेकर हमारे कॉलेज में पहले से ये पॉलिसी है कि जब भी कोई फेस्ट होगा बाहर से कोई नहीं आएगा, जो करना है बच्चों को ही करना है, बाहर से कोई भी नहीं आएगा किसी भी फॉर्म में, तो वो बच्चे ही अपनी एबिलिटी डेवलप करते हैं, उस लेवल तक लाते हैं, फिर वो फेस्ट करते हैं। वो सब नहीं है भैया, ना कोई वैसा फिगर आएगा जैसे कोई सिंगर इंगर, ये सब कुछ नहीं आएगा, वो सब कुछ नहीं आएगा, जो करना है बच्चों को ही करना है।